नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 0112397804। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल DNA में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की टॉप 5 बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट सेडान्स के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं आज की इस वीडियो में। इस लिस्ट में पूरे भारत में पांचवें पायदान पर आने वाली गाड़ी है टाटा की टिगोर। मार्च के महीने में पूरे भारत में इसकी कुल मिलाकर केवल 124 यूनिट्स बिकी हैं। वहीं फरवरी के महीने में 782 यूनिट बेचकर ये गाड़ी चौथे पायदान पर थी, लेकिन इस महीने एक पायदान नीचे खिसक कर ये पांचवें पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,75,000 रुपये से शुरू होकर 7,49,000 रुपये तक की मिल जाती है। इसमें पूरे भारत में चौथे पायदान पर आने वाली गाड़ी है फोर्ड की एस्पायर। मार्च के महीने में पूरे भारत में इसकी कुल मिलाकर 431 यूनिट बिकी थी, जबकि फरवरी के महीने में 744 यूनिट बेचने के बावजूद भी ये गाड़ी पांचवें पायदान पर थी। वहीं इस महीने एक पोजीशन ऊपर उठकर ये चौथे पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,99,000 रुपये से शुरू होकर 8,34,000 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में तीसरे पायदान पर आने वाली गाड़ी है ह्युंडई की ऑरा। मार्च के महीने में कुल मिलाकर इसकी 2,615 यूनिट बिकी हैं। वहीं फरवरी के महीने में 4,968 यूनिट बेचकर ये गाड़ी तीसरे पायदान पर ही मौजूद थी। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,80,000 रुपये से शुरू होकर 9,04,000 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में दूसरे पायदान पर आने वाली गाड़ी है दोस्तों होंडा की अमेज। मार्च के महीने में पूरे भारत में इसकी 2,744 यूनिट बिकी हैं। वहीं फरवरी के महीने में भी ये गाड़ी दूसरे पायदान पर ही थी 5,814 यूनिट्स बेचकर। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 6,19,000 रुपये से शुरू होकर 8,85,000 रुपये तक की मिल जाती है। अब फाइनली बात करते हैं नंबर वन के बारे में। तो पूरे भारत में नंबर वन के पायदान पर आई है मारुति की डिज़ायर। जी हां, आप सभी को पता होगा कि हाल ही में इसका एक फेसलिफ्ट भी लॉन्च हुआ है। पुरानी और नई फेसलिफ्ट का कंपैरिजन वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से उसे आप देख सकते हैं। मार्च के महीने में पूरे भारत में इसकी कुल मिलाकर 5,476 यूनिट्स बिकी थी। वहीं फरवरी के महीने में भी ये गाड़ी पहले पायदान पर ही थी 7,926 यूनिट्स बेचकर। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,89,000 रुपये से शुरू होकर 8,81,000 रुपये तक की मिल जाती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये थी वो पांच गाड़ियां जो टॉप 5 बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट सेडान की लिस्ट में मार्च के महीने में शामिल हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।